बिटिया है। अरे ए रामो, अरे वंशी, अरे देखो डाकू साहब का बिटिया देखो। अरे डाकू साहब को बुला ली कागज ली। अरे जा ए भैया, डाकू साहब को बुला के ला जा। अरे का हुआ रे? हां अरे का हुआ रे? चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। पानी में बिटिया का लाश। पुलिस के पास में कोई नहीं आना चाहिए। अरे हमरा सांप लगेगा उस पापी को। इंस्पेक्टर साहब देखिए, क्या होगा? दिन देखने के लिए पैदा किए थे हमको, जवान बिटिया का लाश देखने मिल रहा है। पीछे हटाओ, आप पीछे हट जाइए। बॉडी को हाथ मत लगाइए, इन्हें पीछे कीजिए। अरे हमरा शराब लगेगा उस पापी को। पीछे कीजिए, पीछे कीजिए। ये आप ही की बेटियां हैं? जी, ये हमारा भाभी हैं, ये दीपा इनका बिटिया है, और ये आशा हमरा। आप सब लोग साथ में ही रहते हैं? जी। ये कुर्सी को पहचानते हैं आप? जी, हमारे घर का जो पीछे वाला आंगन है उसमें पड़ा रहता है। और ये साड़ियां? हमरी है, कल ही धो के सुखाए थे पीछे। बोले तो खबरदार, कौन हाथ नहीं लगाएगा हमारी बच्चियों को। जब तक हमारी बच्चियों का कातिल पकड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक ये ऊपर ही लटकी रहेंगी। अरे क्या कर रही हैं आप? देखिए, इतना इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही ना पता चलेगा कि ये मर्डर का केस है या आत्महत्या का। हम पालपोस के बड़ा किए थे इनको, हमारी बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती। हवलदार से कहो, जैसे ही ये लोग यहाँ से हट जाएं, बॉडीज को नीचे उतार लेंगे। सर। बिहार के सीतापुर गांव में दो लड़कियों की लाशें एक पेड़ से लटकी हुई मिलती हैं। ये एक सुसाइड केस भी हो सकता था और एक मर्डर केस भी, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये बहुत चौंका देने वाला एक डरावना सच था। आज की ये कहानी बच्चों और उनके माता पिता सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव हो या शहर, इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। इसके लिए हम सबको मिलकर इन वारदातों पर रोक लगानी होगी, और खासकर माता पिताओं को इसमें खास भूमिका निभानी होगी। आइए देखते हैं हमारा आज का ये केस। दीपा और आशा का कमरा यही है? जी। कोई नोट या मैसेज नहीं छोड़ा उन्होंने? नहीं जी। ये हमारी पत्नी है और वो हमारा बेटा विनोद। आप लोगों ने आखिरी बार दीपा और आशा को कब देखा? कल रात खाना खाने के बाद 10:30 के करीब। सर, सर इनके घर में पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है। ठाकुर साहब एक बात बताइए, क्या आपके घर के लोगों का अपने घर के इस पिछले दरवाजे से भी आना जाना है? जी, लेकिन बहुत कम। सर ये भी तो हो सकता है कि वो रात को इसी रास्ते से निकली हो और किसी को पता भी ना चला। आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अरे हमारी बिटिया रात को इस दरवाजे से बाहर क्यों जाएंगी? देखिए ठाकुर साहब, मैं समझाता हूं आपको। आप लोगों के बेडरूम घर के आगे की तरफ है, और आपके घर का ये पिछला दरवाजा आपके बेडरूम से इतनी दूर है कि अगर कोई आपके घर का सदस्य चुपके से बाहर आना या जाना चाहे तो इस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि दीपा और आशा इस दरवाजे से चुपके से बाहर गई हो, कि उसका कोई जानकार इस दरवाजे से अंदर आया हो और उन्हें बाहर ले गया हो। इंस्पेक्टर साहब, इस गांव के मुखिया हैं हम, किसी का मजाल नहीं है हमारे घर की तरफ देख भी ले। आप तो आने जाने का बात कर रहे हैं। तो हो सकता है उन दोनों ने खुद अपनी जान ली हो, कोई टेंशन थी उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल रहता है, और रही बात घर संभालने की,
तो बहुत अच्छे तरीके से आता है हमें। इस हादसे को देखकर तो नहीं लगता ऐसा। खैर, उन दोनों को किसी तरह की कोई टेंशन थी, या किसी से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर ठाकुर साहब आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो। साहब पानी कह रहे कोनो काम भगत पर नहीं करता है। पानी नीचे रख। मुर्गा बने आप साहब। मुर्गा बन रख पानी नीचे। नहीं साहब, हमरा कोनो से कोई दुश्मनी नहीं। सर सर, ये माया देवी तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। हरदोई थाने फोन करके लेडी कांस्टेबल का स्टेटस मालूम किया, क्योंकि बिना लेडी कांस्टेबल के हम बॉडीज को नीचे नहीं उतार पाएंगे। राइट सर। योगेश, ये क्राइम सीन की फोटोग्राफ देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन दोनों लड़कियों ने फांसी खुद लगाई होगी। वो कैसे सर? इस पिक को ध्यान से देखो, दोनों के गले में जैसे फांसी लगी हुई है, और फंदे पे जो गांठ लगी हुई है, खुद फांसी लगाने वाला इस तरह की गांठ लगा ही नहीं सकता। मतलब ये था, खुद फांसी लगाने वाला पहले रस्सी के एक सिरे को अपना एक हाथ में पकड़ेगा, दूसरे हाथ से वो इस तरह से पेड़ पे डालने की कोशिश करेगा, खुद फांसी लगाने वाला इस तरह से फंदा बनाएगा। ये अब कुर्सी इधर रखो, यहां पकड़ो जरा कुर्सी, यहां सामने आके इस तरह से फंदा उसने अपने गले में डाला होगा, कुर्सी पैर से नीचे से खिसकाई और फंदा टाइट हो गया। आया समझ में? सर वो दोनों बॉडी भी तो हमको ऐसे ही मिली है। यही तो मैं कह रहा हूं योगेश, अगर ये दोनों का आत्महत्या का मामला होता तो घर में लगे पंखे से भी की जा सकती थी। घर से बाहर निकलकर चबूतरे पे पेड़ पे लटकने की क्या जरूरत थी? सर अगर हम ये मान लें कि ये मर्डर है, तो दोनों को मारने का रीजन क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो रात में बाहर गई क्यों? यही तो पता लगाना है। या तो फिर कोई उनका जानकार उन्हें किसी बहाने पिछले दरवाजे से बाहर ले गया, या वो खुद पिछले दरवाजे से बाहर निकल कर आए। हो ना हो, इसमें घर में से ही किसी सदस्य का हाथ हो सकता है। ब्रिजेश जी का परिवार का गांव में बहुत इज्जत है साहब, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं, पता नहीं कहां हो गया। अच्छा एक बात बतलाइए, ये ब्रिजेश जी की बेटियां कैसी थी? साहब दो लड़कियां तो बहुत अच्छी थी, और उनका कोई दोस्त सहेली भी नहीं था, और दोनों वैसे भी घर से ज्यादा बाहर निकलते कहां थे। ठीक है सर। सर हरदोई पुलिस स्टेशन में एक ही फीमेल कांस्टेबल है, और वो भी छुट्टी पर गई है। उनसे बोलो जैसे ही वो छुट्टी से वापस आए हमें इन्फॉर्म करें। सर ये ब्रिजेश के परिवार का भी समझ में नहीं आ रहा, सारा गांव उसके बारे में तारीफ कर रहा है। अब या तो ब्रिजेश बहुत अच्छा है, या फिर उसका गांव उससे डरता है। सर फिर ऐसे में आशा और दीपा के बारे में हमसे कौन बात करेगा? कोई तो होगा जो दीपा और आशा से बात करता होगा। सर पता चला है कि ब्रिजेश के गांव के दर्जी से आशा और दीपा के कपड़ों को लेकर बहस हुई थी। हाँ वो दोनों यहाँ आती थी साहब। क्या है ना, हम ही एक लेडीज टेलर है पूरे गांव में, तो किसी को भी कपड़ा सिलवाना होता है तो हमारे पास ही आती है। ये दीपा और आशा को तो आप जानती ही होंगी, दोनों बातचीत करने में कैसी थी? कुछ सोच के आई हो क्या बनवाना है? बहुत कुछ सोच के रखे है, तुम देखो इसको थोड़ा नीचे कीजिए ना। हाँ इतना कीजिए। अरे बाप रे बाप, तुम पागल हो गई हो, इतना डीप गला पहनोगी? तुम देखो हम कितना अच्छा बनाएंगे इस बार, सब देखते रह जाएगा। दीदी इसको थोड़ा टाइट कीजिए। हाँ दीजिए ना, कीजिए। पगला गई हो तुम, तुम्हारा माथा खराब होगा, तुम इतना टाइट सूट पहनोगी? तुम देखना अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम बदलवा देंगे, पूरा गांव देखता रह जाएगा, इतना अच्छा लगेगा। और थोड़ा टाइट कीजिए। हाँ इतना ले जाइए, बस इतना। तुम पिटवा दोगे। देखिए अगर अच्छा नहीं बनेगा तो हम पैसे नहीं देने वाले आपको। और नीचे ना लेस लगा दीजिएगा, हम एकदम चाहते कि हम वो टीवी हीरोइन जैसे दिखे, जिसका एकदम चिकना सा पेट और मोर जैसी चाल हो। एक दिन ठाकुर साहब हमारे दुकान पे आए थे। ये क्या भद्दा कपड़ा सी दी है? क्या हुआ ठाकुर जी? आपको पता नहीं चला आपने क्या किया है? हमारा बिटिया लोगों का सूट सिला आपने, इतना छोटा छोटा बाजू, गला इतना लंबा, टाइट कपड़ा, इसको पहन करके गांव में घूमेगा तो नंगा नहीं दिखेगा? कपड़ा जल्दी से ठीक करके घर भिजवाइएगा।
नहीं तो दुकान में धुआं भर देंगे, समझ गए ना? ये सब हुआ कब? 4 दिन पहले साहब, जब आशा अपने पति के घर से वापस आई थी। ये आशा शादीशुदा थी क्या? हाँ साहब। तो अपने घर वापस क्यों नहीं गई वो? नहीं पता साहब। कमाल करते इंस्पेक्टर साहब आप। अरे हमारी बिटिया थी, वो कुछ भी पहने, किसी को क्या लेना देना। अरे चुप हो जाइए ना आप। ना आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आशा की शादी हो चुकी है? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी, सब लोग जानते थे कि वो कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। तो फिर आशा के ससुराल से कोई दिखाई क्यों नहीं दिया? आशा का पति कहां पर है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको जांच ही करना है ना तो बाहर जाके कीजिए ना, कातिल तो आपको बाहर मिलेगा। आप बार बार जैसे घर में घटना घटाए वहीं आ जाते हैं। आप लोगों का कुछ काम है नहीं, बस यही रह गया, करे किसने मंगाया पानी? और देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपसे ये मामला नहीं संभलता हो तो हमें बता दीजिए, हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। देखिए साहब, हमारा परिवार ऐसा ही बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। वो देखने में ऊपर से सख्त जरूर है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। बहुत प्यार करते थे अपने बिटिया से। आप यही जानना चाहते हैं ना कि उस दिन दर्जी के यहाँ से कपड़ा आया तो क्या हुआ? छोड़ ना दीपा, सुन ना, आशा बात करने दे। अम्मा ये क्या करवा दिए आप हमारा कपड़ा का? हाँ हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ये ढीला ढाला एकदम झोला माफिक। हाँ अम्मा, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। क्या झोला ऐसा? झोले से कपड़ा है, एक नंबर कपड़ा है। गांव की जितनी लड़कियों को देखो सब ऐसे ही कपड़ा पहनती है, और तुम दोनों का कपड़ा बहुत जचेगा, बहुत, समझी? यही कपड़ा तुम लोगों को पहनना है। तुम पहनो ये कपड़ा, समझे? चलो आशा। देख रही हो अम्मा, दिन पर दिन लोगों का नौटंकी बढ़ते चल जा रहा है। इन्हें पहनेंगे, वो पहनेंगे। अरे बाप रे बाप, ए दीपा क्या कर दिया तुम? सच में कपड़ा जला दिया? अम्मा को पता लगेगा ना तो तुमको पता नहीं है क्या कर देगी। अब हम इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन करता है। क्या हो रहा है ये सब? अरे बोलते क्या नहीं? कपड़ा जला रहे हैं जो आप बिगाड़ के लेकर आए थे। कौनो बात नहीं, अरे ठाकरों की बिटिया हैं तो खून तो बाल मारेगा ही ना। तुम दोनों दूसरा कपड़ा बनवा लेना, बढ़िया आशा, हाँ पर पहले जैसा नहीं। हाँ बस यही सब था हमारे बीच। दीपा की भी शादी हो चुकी थी क्या? हाँ वो दीपा के लिए भी लड़का देख रहे थे लेकिन आशा की शादी पहले तय हो गई तो पहले कर दी। और ये आशा की ससुराल कहां पर है? बलियापुर। सुनील आप ही हैं? हाँ सर। सुनील, हमें आपकी बीवी आशा के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। आशा? क्या हुआ सर? क्यों आपको नहीं पता आपकी बीवी आशा अब नहीं रही? क्या? क्या हुआ उसको? क्यों आपके ससुराल वालों ने आपको खबर नहीं की? नहीं सर। दरअसल हमें दीपा और आशा की लाशें गांव में पेड़ से लटकी मिली। सुनील आपको क्या लगता है, क्या दीपा और आशा की कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से यह सब हुआ? हमको नहीं पता सर, लेकिन अभी 2-3 दिन से हमारी बात भी नहीं हो रही। क्यों? अब क्या बताएं सर, जब से ब्याह के आई थी ना सारा घर सर पे उठा रखा था। जब देखो हमसे और हमारे बेटे से लड़ती ही रहती थी। गरम गरम पूरी, छोला के साथ ना पूरी बहुत अच्छा लगता है, और हमारी बड़ी अम्मा तो एक नंबर छोला बनाती हैं। उसको धीमा धीमा आके पकाएगा ना तो बहुत अच्छा बनता है, हबड़ दबड़ करेगा ना तो एकदम सब गड़बड़ हो जाता है। अरे हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारी बड़ी माँ ही तो छोले बनाती है, हमें थोड़ी कुछ करना आता है। अरे हमें और भी काम होते हैं समझी तुम, ऑफिस भी जाना होता है। जब देखो बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ। माँ जी आप ना हमारी बड़ी अम्मा के बारे में कुछ मत कहिए, हम तीनों भाई बहन को ना अकेले पाला है उन्होंने, और ये ना कोई आसान काम नहीं होता है। अरे तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम तीनों भाई बहनों को पाला है तो हमने भी पाला है,
मैंने भी बेटा जना है, उसे पाला है, जिसके बलबूते पे तुम ऐश कर रही हो, समझी? देखिए अम्मा जी, आशा। इसलिए हम फैसला कर लिए थे सर, इस बार कुछ हो जाए हम उसको लाने नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन ब्रजेश जी फिर ऑफिस पर आ गए। बार बार तुम्हारा वकील बनकर के तुम्हारा झगड़ा नहीं छुटा सकते। अरे तुम्हारा बीवी है, तुम सवाल हो ना। बाबूजी बात तो ये है कि आपकी बेटी को बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं। बहुत अच्छा शिक्षा दिया है हमने अपनी बिटिया को। अरे तुम्हारी मर्दानगी में कमी है अपने साथ रखने में, उसको बात करता है। ये कब की बात है? 2-3 दिन पहले की बात है सर। सुनील, हमें लग रहा है कि दीपा और आशा की हत्या में कहीं ब्रजेश जी के परिवार में से ही तो किसी का हाथ नहीं है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, लेकिन पूरा गांव वाला जानता है सर कि घर में सबसे गुस्से वाला कौन है। कौन है सर? हम नाम तो नहीं ले सकते, आप पूछिए अगल बगल जाकर, आपको पता चल जाएगा। सर आपका शक हमें सही लग रहा था, कातिल ब्रजेश की फैमिली में से ही कोई हो सकता है। सुनील भी तो नाम लेने से घबरा रहा था। हाँ योगेश, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने भर से हम ब्रजेश या उसके परिवार पे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये भी तो हो सकता है सुनील ने हमारी हाँ में हाँ मिला दी हो। सर हमको किसी को तो ढूंढना ही होगा जो हमसे ब्रजेश के परिवार के बारे में खुल के बात करे। एक काम करो, ये दीपा और आशा की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो दोनों बहनें मरने से पहले किस किस से बातें करती थी। सर माया देवी जी, हमें ये बॉडी ले जाने दीजिए ना, नहीं तो ये यहीं खराब हो जाएगी। कानून का भी अपना एक तरीका होता है काम करने का, आप लोग समझाइए ना इन्हें। माया देवी, अपनी इज्जत छोड़िए, हमें इन बॉडीज को नीचे उतारने दीजिए, ये एक जघन्य अपराध है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इक्के बार कह दिए हैं, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक इनका लाश नीचे नहीं उतरेगा। हाँ हाँ, नहीं उतरेगा, हम लोग नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं ले जाने देंगे। सुन लिए हैं? तोरे तोरा ए शंभू जी, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं साहब। बैठिए, हम छोड़ देते हैं आपको। नहीं साहब, हम चले जाएंगे। बिठाइए योगेश इनको। हाँ सर। साहब हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, आइए बैठिए। चलिए साहब, घर में सबसे गुस्सेले तो विनोद बाबू ही है, आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं। कुछ दिन पहले वो पीसी वाले कमलेश को कूट दिए थे। ये विनोद का दीपा और आशा के साथ भी झगड़ा हुआ था। ए, मैं रेडियो लेके कहां जा रही हूं? पता अगर बाबूजी तुम लोग कैसे नाचते हुए देख रहे हैं तो मार के पैर तोड़ देंगे। अब बंद करो ये गाना बजाना। काहे तोड़ देंगे वो पैर? हाँ बाबूजी सारे दिन बैठ के समाचार सुनते रहते हैं, अरे उस पे कोई नाच सकता है क्या? पता है तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मंगेतर ने तुम्हें छोड़ा होगा। ऐसी पागल लड़की के साथ कौन आना चाहेगा? बेहुदा, हाँ तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ दीपा से ऐसे बात करने का? माफी मांगो तुम अभी। हम मांगे माफी? बहुत तेज बन गई हूँ। अरे छोड़, तेज बन गई हूँ। दोबारा ना इसको हाथ मत लगाना। तुम दोनों को देख लेंगे हम, बहुत तेज बन रही हो ना। अच्छा ये दीपा के मंगेतर का नाम क्या है? साहब उसका नाम हरीश है, वो धर्मपुर का रहने वाला है। ठीक है, तुम जा सकते हो। योगेश, इस केस का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोज कोई ना कोई एक नाम इस केस से जुड़ता चला जा रहा है। सर हमने पता लगा लिया है, विनोद अक्सर गांव के देसी ठेके पर बैठा रहता है, और सर हरीश से भी बात हो गई है, वो किसी काम से शहर से बाहर गया है, कल आ जाएगा।
सर पूरा विनोद। विनोद तुमसे कुछ बात करनी है। बैठिए। यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, बहुत शोर है यहाँ। कोई चिल्लम चिल्ले नहीं। बहुत रौब है तुम्हारा। ठाकुर इंस्पेक्टर साहब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी, जैसे पीसीओ वाले को मारना, यहाँ तक कि अपनी दोनों बहनों का कत्ल तक कर देना। लगता है आपको कोनो गलतफहमी हो गई है। कमलेश कान भरा है आपका। कमलेश ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें पता चला था कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक कारण था। कहाँ देख रहे हो बे? इधर। क्या हुआ? दिमाग झंझना जाता है, गुस्सा लगता है, पर इतना भी नहीं कि हम अपनी सगी बहन को मार दें। पुलिस के सामने कई उलझने थी। वो चाहते थे कि केस जल्द सुलझ जाए, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था कि दीपा और आशा की बॉडीज जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाएं, ताकि इस केस में कोई रास्ता मिल सके। लेकिन अपनी बेटियों के गम में न्याय की मांग करती माया देवी ऐसा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। भाभी अपना जिद छोड़ दीजिए, विधि विधान से इनका क्रियाक्रम हो जाए तो इन अभागनों को अगला जन्म मिले। हम अगला पिछला जन्म कुछ और नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि इस जन्म का इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हमारी बिटिया इसी जन्म में मरी है और इनको इंसाफ भी इसी जन्म में मिलेगा। जब तक इनका खूनी पकड़ा नहीं जाता, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। दीपा हमें बहुत पसंद थी सर। अरे हमने तो शादी की तारीख भी फिक्स कर दी थी। तो फिर सगाई काहे तोड़ दी तुमने? सगाई हमने नहीं, दीपा ने तोड़ा था। हरीश, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सच बात तो ये है कि हम किसी और से प्यार करते हैं, आपसे शादी नहीं कर सकते। अब लड़की है तो सगाई तोड़ भी नहीं सकते, माँ की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप ही ये रिश्ता तोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं ना हम लोग क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? तोड़ दीजिए ना सगाई। यही सच है सर। तो ये बात देवकी जी ने हमसे कहे छुपाई? अरे लड़की वाले हैं ना, और बदनामी से बचने की कोशिश तो सभी करते हैं। अच्छा दीपा जिस लड़के से प्यार करती थी उसका जिक्र किया था उसने कभी तुमसे? नहीं सर। सर दीपा और आशा के कॉल रिकॉर्ड्स में सब कुछ नॉर्मल है। उस रात को 11 बजे उन्हें किसी का फोन नहीं आया था। एक बात और सर, आशा जब अपने ससुराल में थी तो वहां से दीपा को सुनील के मोबाइल से कॉल आते थे। हाँ तो हो सकता है उसे आशा फोन करती हो। और सर कभी कभी तो लेट नाइट पर भी फोन किए गए हैं। बहनें भले कितनी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन रोज रात को इतनी क्या बातें होगी करने के लिए। योगेश ये भी तो हो सकता है कि दीपा को कॉल आशा के ना आकर के आशा के हस्बैंड सुनील के आते हो, और अभी तक हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। हो सकता है आशा को दीपा और सुनील के बारे में पता चला हो और दीपा और आशा के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान दीपा का खून हो गया हो और दीपा की हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए हो सकता है आशा ने दीपा की लाश को पेड़ तक घसीटा और फिर पेड़ पर लटका दिया, और हो सकता है फिर आशा को अपने किए पे पछतावा हुआ हो जिसका प्रायश्चित करने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। सर सुनील और दीपा के बीच में अगर अफेयर था भी तो मिलते तो जरूर होंगे। एक काम करो, सुनील के ऑफिस जाकर पता करो क्या सुनील रोज ऑफिस आया करता था या फिर उससे ऑफिस में कोई मिलने आया जाया करता था। ओके सर। एक बात और, ये दीपा ने पिछले हफ्ते किसी मनीराम नाम के आदमी को कॉल किया था,
चार से पांच बार। योगेश, मनीराम कहीं वही आदमी तो नहीं जिसका जिक्र करके दीपा ने हरीश से सगाई तोड़ दी थी? ये कॉल रिकॉर्ड्स में मनीराम का एड्रेस कहां था? क्या हुआ सर? ये मनीराम कहां गया कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, दो दिन से वो लोग तो दिखे नहीं। तो ब्रजेश की जो बेटी है दीपा जी, वो कभी मनीराम से मिलने के लिए आई थी क्या? नहीं सर, कभी देखा नहीं। ठीक। सुनील जी, आपकी पत्नी आशा के घर पर होने के बावजूद भी आप देर रात तक दीपा से बात करते थे? सर, वो घर वाला फोन हमको ऑफिस से मिला है और आशा उससे घंटों बतियाते रहती थी। आशा, 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 अरे मेरी शर्ट कहाँ है यार? मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। अरे वहीं पर रखा है, ले लीजिए। हाँ, बैठे रहो, बतियाते रहो बस। अरे कुछ नहीं, छोड़ो ना, उस शर्ट मांग रहे थे, जाके ले लेंगे। पहले हमको शक हुआ कि उसका कहीं अफेयर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी बहन दीपा से बातें करती थी। तो सुनिए जी सर, ये सुनील डेली ऑफिस आते हैं क्या? जी सर, हर रोज आते हैं। अच्छा, इनसे कभी कोई लड़की मिलने आई है क्या? नहीं सर, आज तक कोई लड़की तो नहीं आई इनसे मिलने। सर, ये भी तो हो सकता है कि सारा काम हरीश ने किया हो। सर, दीपा ने सगाई तोड़ी थी तो हरीश का ईगो हर्ट हुआ था, तो उसने दीपा को मारना चाहा और बीच बचाव में आशा आ गई और उसी बीच बचाव में आशा भी मारी गई। योगेश, फिलहाल तो तुम साइबर सेल वालों से कहो कि वो मनीराम के फोन को ट्रेस करें, जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करें। सर, सर, बलियापुर थाने से एक महिला पुलिस मिल गई है। गुड। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सर, ये हरीश है, दीपा का मंगेतर। क्या बात करनी है हरीश? सर, अब तक तो मैं दीपा और आशा के मौत की वजह से चुप बैठा था, लेकिन अब हमें हमारे गहने वापस चाहिए। कैसे गहने? जो गहने हमने सगाई के वक्त दीपा को दिए थे। तो ये बात तुम हमसे क्यों कह रहे हो? जाकर ब्रजेश और उनके परिवार से कहो। हम उनके घर गए थे, लेकिन वे कह रहे हैं कि गहने उनके पास है ही नहीं। एक काम करो, उन गहनों की रसीद या लिस्ट वो हमें दे दो। ठीक है सर। ठाकुर साहब, आप लोगों से कुछ बात करनी है। माया देवी दिखाई नहीं दे रही। वो अपना मायके गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दरअसल हरीश ने कंप्लेंट लिखवाई है, दीपा की सगाई में जो उसने गहने दिए थे आप लोग उन्हें लौटा नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, हमने हरीश को कितनी दफे समझाया था कि दीपा के पास कोई गहना वहना नहीं था। सर, ये हरीश झूठ का है बोल रहा है हमसे। योगेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपा ने ये बात अपनी फैमिली से छुपाई हो। एक काम करो, तुम्हारे पास मोबाइल में उन गहनों की जो तस्वीरें हैं उन्हें आसपास के ज्वेलर्स को दिखाओ, हो सकता है ऐसे गहने उनके पास बिकने के लिए आए हो। सर, अच्छा सुनिए, अभी हाल फिलहाल में आपकी दुकान पर कोई कंगन बेचने के लिए आया था क्या? हाँ सर। कंगन दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। अच्छा, ये कंगन बेचने वाला कहाँ रहता है कुछ पता है? इधर ही रहता है सर, दो गली बगल में ही रहता है। तुमको तो हम थाने में कंगन पहनाएंगे, चल बोल। साहब, साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हम उन दोनों लड़कियों को नहीं मारे हैं साहब। हाँ, उन दोनों लड़कियों को गहने छुपाते जरूर देखे थे साहब हम।
इसके बाद हम चुरा ले आए थे साहब। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। सर दीपा और आशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से आशा की मौत दीपा की मौत से आधे घंटे पहले ही हो गई थी। यानी अभी तक हमारी थ्योरी किसी और ट्रैक पे चल रही थी। और सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दीपा और आशा की मौत फांसी लगने से हुई नहीं। दीपा को गला घोट कर मारा गया है और आशा के सर पर चोट लगी जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। एक बात और सर, आशा की एड़ियों में गहरे खरोंच के निशान भी थे। ऐसा लगता है कि उसको घसीटा गया हो। योगेश ये भी तो हो सकता है कि आशा ने जूते या चप्पल पहन रखे हों जो उसे घसीट के ले जाते समय पांव से निकल गए हों। अपने 2-3 कांस्टेबल को क्राइम सीन पर साथ लेके जाओ, अच्छी तरह से छानबीन करो। सर यहां एक चप्पल मिला है। हाँ योगेश बोलो। सर क्राइम सीन से थोड़ी दूरी पर हमें एक चप्पल मिली है। ऐसा लगता है कि चप्पल दोनों लड़कियों में से किसी एक की हो सकती है। वो चप्पल फॉरेंसिक टीम को भेजो, शायद कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। ठीक है सर। मनीराम के कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, फोन ऑफ करने से पहले मनीराम ने लखनऊ में इस नंबर पर बात की थी। ये नंबर सर। नंबर बोलो। 7898-56523। हेलो जी, मेरी बात मनीराम से हो सकती है? जी होल्ड करिए, बुलाता हूँ। योगेश लखनऊ पुलिस से फौरन कांटेक्ट करो, उन्हें नंबर सेंड करो, उनसे कोई नंबर जिस भी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वहां से मनीराम को अरेस्ट करे। सर साहब मैंने उन दोनों को नहीं मारा साहब। वो हम पता लगा लेंगे, पहले तुम ये बताओ कि दीपा तुम्हें इतने कॉल क्यों किया करती थी? वो मैं आपको नहीं बता सकता सर, कहीं ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे सर। ठाकुर साहब के हाथ तो तुम तब लगोगे जब हम तुम्हें छोड़ेंगे। क्या चक्कर था दीपा के साथ तुम्हारा? कोई चक्कर नहीं था सर, दीपा एक दिन मेरे दुकान पे आई थी। हमको ना मुंबई का 2 टिकट चाहिए था। मुंबई का? किस तारीख का? अगले हफ्ते का कोई भी तारीख चलेगा हमको। किस नाम से बनानी है? दीपा और आशा। ठीक है हो जाएगा। ये हमको कब तक मिल जाएगा? कल मिल जाएगा। दीपा ने टिकट की टाइम और डेट कंफर्म करने के लिए मुझे 3-4 बार कॉल किया था और जब टिकट बन गया तो मैं उसे देने ठाकुर साहब के घर गया था। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन कहाँ है? ये टिकट है। टिकट है किसका? आशा और दीपा का। दीपा और आशा का? कहाँ का? बंबई का। दीपा और आशा बंबई जाएंगी? मार कह रही हैं? बुढ़वा खोका, कपाल में भूसा भरे हो, ये सब करने से पहले हमसे पूछ नहीं सकते थे? अरे तो उन्होंने बोला तो मैंने करा दिए। अब करा दिए तो करा दिए। सुनो ये बात किसी से नहीं बोलिएगा, समझ गए? अब जाइए यहाँ से। ठीक है। जब आशा और दीपा की लाशें मैंने पेड़ से लटकी हुई देखी तो मैं समझ गया कि ये भागने की प्लानिंग कर रही थी तो इनके घर वालों ने इन्हें मार डाला। विनोद जी भाई, भाभी को फोन लगा और बोल के बच्चियों का आखिरी बार आकर के मुख दर्शन कर ले। माया देवी जी आपसे एक काम था। बोलिए ना। ये एक एप्लीकेशन है, इस पे आपके साइन चाहिए थे। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आपने हमें लाशों को उतारने की मंजूरी दे दी है और आपकी मंजूरी से ही लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमारा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है और उस पे हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ये दस्तखत करने आता नहीं है हमको। कोई बात नहीं,
अंगूठा लगा दीजिए। जी ठीक है, धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्चियों के कातिल का कुछ पता चला? अब जल्द ही पता लग जाएगा। चलो। बड़ी मां की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, उनके बड़े भाई ने अभी फोन पे बताया मुझे, और ये भी कहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें और आराम करने को कहा है। कोई निदान शुरू कर देना चाहिए। सर, सर माया देवी के फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। सर आशा की चप्पल पर जो फिंगरप्रिंट हमें मिले थे वो माया देवी के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं। लगता है माया देवी से मिलने का समय आ गया। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमारी बच्चियों के कातिल का कुछ पता चला क्या? जी, अब कातिल और सबूत दोनों हमारे पास है। कौन है कातिल? आप ही बताइए। हम बता? चलिए हम बताते हैं। आशा की चप्पल पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। और क्या करते हम? दोनों मिलके परिवार का इज्जत मिट्टी में मिला दे रहे थे। इस तरह लड़कियों को नाचना शोभा नहीं देता है। लड़कियों को कंट्रोल में रखो, नहीं तो किसी दिन भाग जाएगी। अरे बहन जी, ये दोनों लड़कियां पगलेट हैं। जब भी मिलती हैं ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देती हैं। बहन जी, मैं गर्ल्स स्कूल पढ़ाती हूँ, लड़कियों को अच्छी तरह समझती हूँ। आजकल की लड़कियां लड़कों को कम और लड़कियां को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उस दिन के बाद हम उन दोनों पर नजर रखने लगे। दोनों रात रात भर घंटों फोन पर साथ में बतियाते थे। फिर जब हरीश ने सगाई तोड़ दी, हम हरीश से मिलने गए। दीपा ने ही मुझसे कहा था यह सगाई तोड़ने के लिए। दीपा ने कहा है? कहा है कि वो किसी और से प्यार करती है। किससे? अब ये तो आप दीपा और आशा से ही पूछ लीजिए। दीपा और आशा से? और उस रात जब हम पानी पीने उठे तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। दीपा सुनना, हमको ना बड़ी अम्मा ना बहुत समझाई है, और हमको ना बड़ी अम्मा का बात सही भी लग रहा है। तुम जाना मुंबई, हम नहीं जाना चाहते। हमको ना नहीं बनना हीरो हीरोइन, हम ना यहीं पे सुनील के साथ रह के ना अपना घर और बसाना चाहते हैं। आशा आशा, तुम्हें क्या बोल रहे हैं? हम हमारे लिए अपनी सगाई तोड़ दिए, गहना छुपाए, ताकि हम दोनों मुंबई में अच्छे से रह सके और हीरोइन बन सके। हम जानते हैं रे, तुम ना बहुत कुछ किया हमारे लिए। तुम जाओ ना मुंबई, हम ना यहीं रहना चाहते, हमको नहीं जाना। आशा, तुम ऐसे कैसे कह सकती? तुम्हें मतलब ही कैसे हो सकती है? आशा आशा, मैं कुछ नहीं पता, तुमको जाना पड़ेगा हमारे साथ।
अपने कमरे में जा, दीपा अपने कमरे में जा, जा। कितना लाड प्यार से पाले थे हम दोनों को, और वो क्या करने चली थी, भाग जा रही थी, परिवार का नाम पर कलंक पोत देती। ऐसी नाम मुराद औलाद का तो यही अंजाम होना था। इसीलिए हमने उन्हें मरने के बाद भी पेड़ पर सड़ने दिया। हम तो उन्हें अग्नि भी नसीब नहीं होने देना चाहते थे। ऐसी औलादों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन दोनों को जान से मारने की बजाय अगर प्यार से समझाया होता तो दोनों जिंदा होते। ले चलो। जब परिवार में एक दूसरे से बातें छुपाई जाती हैं, जब उनके बीच का विश्वास खत्म हो जाता है, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं उनके बीच में नफरत की एक खाई बन जाती है, जो कभी भी किसी जुर्म या हादसे का कारण बन सकती है। बच्चों और माता पिता का आपस में वक्त बिताना, एक दूसरे की परेशानियों को बांटना, ये बहुत जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा वक्त ही है, और उसे अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बांटना एक खुशहाल जीवन की निशानी है। दीपा और आशा भी इन्हीं हालात का शिकार थी, और घर वालों की जरूरत से ज्यादा पाबंदियां उनके लिए दुख और घुटन बन गई थी, जो कि शायद माया देवी समझ नहीं पाई और गुस्से और आवेश में वो गुनाह कर बैठी जिसकी सजा पूरे परिवार ने भुगती। माया देवी को उनके इस जघन्य अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय।